हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट है ऑल न्यू बजाज की सिटी 125X। और फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे इसका एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ रोडिंग टेस्ट थोड़ा परफॉर्म करने वाले हैं। देखते हैं बाइक की जो है वो कैपेबिलिटीज कितनी है। यहाँ पे बारिश वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो देखते हैं बाइक जो है वो ईजिली जो है वो यहाँ पे मतलब अपना काम कर पाता है या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो फ्रेंड्स आपको मिल जाता है ऑफ रोडिंग टाइप वाला डिज़ाइन। तो देखते हैं ऑफ रोडिंग में ये कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। तो हमारी हेल्प कर रहे हैं दीपक भैया अभी। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स, यहाँ पे टायर वगैरह जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ग्रिप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने भी यहाँ पे राइड किया है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है बाइक। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये सस्पेंशन वगैरह इसका कैसा परफॉर्म करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो वहाँ पे भी इजीली चढ़ गया है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स, तो गैप भी काफ़ी ज़्यादा था, तो यहाँ पे भी बाइक जो है वो इजीली निकल गई है। उधर से आइए, आ रहे हैं एक मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी अभी हम टेस्ट करने वाले हैं। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक यहाँ पे छोटा सा ऑफ रोडिंग हमने यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश की है सिटी 125X में, जिसमें कि बाइक कैसी रही, कैसा लगा आपको चलाने में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मतलब आराम से जो है वो चला सकते हैं, आराम से ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल न्यू सिटी 125X का एक छोटा सा ऑफ रोडिंग यहाँ पे मतलब रिव्यू। बाकी मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको डिटेल ऑफ रोडिंग चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको डिटेल ऑफ रोडिंग वीडियो इस बाइक का चाहिए या नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बाइक है प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए बनी नहीं है, बट यहाँ पे लुक्स आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। कंपनी यहाँ पे फ्रंट में आपको प्रोवाइड कर देती है फॉग प्रोटेक्टर्स वगैरह, जिससे कि मतलब अंदर में जो है डस्ट वगैरह ना जाए। और बाइक ओवरऑल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अभी यहाँ पे डिलीवर की है जितना भी हमने बाइक को चलाया है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको बाइक कैसी लगी है और आप इस बाइक को परचेस करना पसंद करेंगे या नहीं 125 सीसी सेगमेंट में।